अस्सलाम वालेकुम, वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स, कैसे आप सब। आज हम बनाने लगे हैं ब्राउन राइस। आधा कप हमने इसमें ये डाल दिया ऑयल, जिंजर, अदरक, ग्रीन चिली, ये चीज़ें हमने मिक्स करके ना ये छोटी मशीन के अंदर से वो निकाली हैं, वो हमने इसके अंदर ऑयल में डाल ली हैं। इसलिए हम मसाले को करेंगे अच्छे तरीके से ब्राउन। ब्राउन करने के बाद ये औरतें अक्सर घरों में राइस बनाती रहती हैं, आम घरों में बनते हैं, तो रेसिपी ये मेरी उनसे सेम ही है, थोड़ी सी डिफरेंट है इसमें। ये देखें, हमने मसाले को अच्छे तरीके से इसको बनाई करना हमने, बिल्कुल। बाद औरतें इस तरह बनाती हैं कि वो प्याज को कर लेती हैं ब्राउन। ब्राउन करने के बाद उसमें नमक डाल देती हैं, थोड़ी सी मिर्च वगैरह, बाद नहीं भी डाल दी, फिर उसमें चावल डाल। लेकिन हमने ये जिस तरह हम बनाते हैं ना सालन वगैरह, उस तरह मैंने पहले इसका मसाला तैयार कर रहा हूँ। ये जो मसाला है ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा करेगा। अब हमने इसमें हाफ टी स्पून जो है नमक डाल दिया है, ठीक है, हाफ और डाल दिया। अब हमने 2 टेबल स्पून जो है इसमें डाल दिए हैं दही के, ये इसका मसाला बनेगा। और हमने हाफ टी स्पून और डाल दिया है नमक, क्योंकि नमक को हमेशा हल्का रखना चाहिए, यानी हमने 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डाल दिया है। और हमने जो दूसरी जो अदरक लहसुन गार्लिक जो हमने ली है, वो छोटे साइज़ की हमने अदरक जो है वो आप लोगों के सामने हमने वो आप देख लिया आपको किस मकदार में चाहिए। लेकिन लहसुन जो है वो कम से कम जो है ना, आपने अगर बड़े साइज़ की है तो उसमें 4 आप लहसुन की वो डाल दें, ठीक हो गया, 4 पीसेस। इस तरीके से ये अब इसकी बनाई हो रही है। देखें इसका कलर जो है वो तब्दील हो गया है। अब हमने चावलों का हम अच्छे तरीके से वाश कर लेंगे। मैं इसमें वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि कम लग गया। चावलों को हमने लगा दिया तो 10 मिनट के बाद हमने निकाल लिया है। अब ये देखें ब्राउन राइस हमारे तैयार हो गया माशाल्लाह। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखें खुशबू भी माशाल्लाह इनकी प्यारी आई है। तो इस तरीके से आप बना कर खाएँ, साथ में शोरबे वाला सालन हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। मैं इसके साथ अंडा करी को इस्तेमाल करूँगा, साथ पोटैटो का शोरबे वाला सोर अक्सर घरों में ये लोग बनाते हैं, अक्सर खाया जाता है। तो ये देखें प्लेट में कितने खूबसूरत प्यारे लग रहे हैं। तो ये लोग हम इसके साथ थोड़े से ये खीरे के पीस काटते हैं ना इस तरह आसानी से, और इससे एक तो पीस जो है ना स्लाइस बहुत बारीक जो है छोटा पीस काटा जाता है। ये देखें खीरे कितनी आसानी से छोटे छोटे पीस इसके कट गए हैं, ये देखें कितने बारीक पीस हैं। ये ब्लेड के साथ इसको लगाते हैं, फिर इंजॉय के साथ हम जो है इसको इंजॉय करते हैं, इंजॉय से खाते हैं। साथ में हमने ये देखे हमने बनाए हुए थे आलू और अंडे, इसकी ग्रेवी ये देखे बोले मैंने ये डाल ली है। अब इसका मज़ा आप भी लीजिए, दिन है एतबार का, मज़ा लीजिए, वेरी नाइस, बहुत प्यारा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।